तस्वीरें देखी है और इन तस्वीरों में दिग्विजय सिंह की गजब की फुर्ती देखी है। इस उम्र में जिस तेजी से दिग्विजय सिंह जो है वो ये कमान संभालते हुए नजर आए, चर्चा होने लगी। वो इसलिए कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश में तीसरी बार ये एंट्री हुई धार के मोहनखेड़ा में, और मोहनखेड़ा में जैसे ही उनकी मंदिर में एंट्री हुई, मोहनखेड़ा में तीर्थ क्षेत्र है जैन समुदाय का, तो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंची थी प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हुए खुद दिग्विजय सिंह नजर आए। और क्या गजब की फुर्ती नजर आई, वो भी आपको नजर आ रही होगी। दिग्विजय सिंह हटाते हुए नजर आए, सामने से जो आ रहा था दिग्विजय सिंह, तुरंत जैसे सुरक्षाकर्मी या जो जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता है सुरक्षा की, वो शख्स जिम्मेदारी संभालता है, तो वैसे दिग्विजय सिंह की भी सक्रियता यहाँ पर नजर आई। तस्वीरों में आपको दिख ही रहा होगा, आपको बता दूं प्रियंका गांधी मोहनखेड़ा पहुंची थी और मोहनखेड़ा में उनकी बड़ी सभा थी। बड़ी सभा से ठीक पहले उन्होंने जो दर्शन किए थे वो मोहनखेड़ा तीर्थ क्षेत्र पहुंचकर किए थे, और जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, तो दिग्विजय सिंह को लगा वहां पे, हालांकि आपको खुद पता है प्रियंका गांधी जो है उन्हें सुरक्षा प्राप्त है और उनकी सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षाकर्मी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को खुद ही लगा, और दिग्विजय सिंह यहाँ पर जो है सुरक्षा जैसी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। दिग्विजय सिंह ने आपने खुद देखा तस्वीरों में कि कमान जैसे अपने हाथों में ले ली हो, और यही वजह है कि ये तस्वीर चर्चा का विषय भी बन गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह के सामने जो भी आ रहा था, जिस उनको लग रहा था कि प्रियंका गांधी जैसे तेजी से चल रही है मंदिर की तरफ, वो हटाते जा रहे थे, यानी कि खुद उन्होंने अपने हाथ में ये कमान संभाल ली थी। वैसे राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा होती है कि राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी, उनको राजनीतिक तौर पर रणनीतिकार बनाने में दिग्विजय सिंह की पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका रही है। चाहे राहुल गांधी हों, उनके रणनीतिकार भी दिग्विजय सिंह रहे हैं, और खुद चूंकि धार में ये जो कार्यक्रम प्रियंका गांधी का हुआ, इसके प्रभारी दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने पहले भी यहाँ पर जाकर इंतजाम को देखे थे और खुद अपने हाथ में कमान ली थी, लेकिन ये अंदाज भी चर्चा का विषय बन गया, जहाँ दिग्विजय सिंह सुरक्षा की कमान अपने हाथों में लेते हुए नजर आए। आप देखते रहे एमपी तक।